शर्मनाक माहौल चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है, पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई जज या कोई जर्नैल पनामा लीक्स नहीं लाया था, किसी जज या किसी जर्नैल ने सुप्रीम कोर्ट केस लेके नहीं गया था। सब रेवन फील्ड में बरी हो जाती है, तो एक होता है ना जाली, मुंह रखने को नैब अपील कर ले सुप्रीम कोर्ट में, वो भी नहीं करता। फ्लैगशिप में अदालत बाद में पूछती है, नैब पहले सरेंडर कर देता, अभी साडा कोई साढ़े तेना रहना, और पहले भी वो कहते हैं कि आप जमानत कैंसिल भी कर दें, हमने नवाज शरीफ साहब को नहीं पकड़ना। गाली बन जाए, दो नंबरी हो जाए, चतर चलाकी हो जाए, झूठ हो जाए, मुनाफत हो जाए, डील हो जाए, ढील हो जाए, पतली गली, चोर दरवाजे, क्या हम फिर कहें ये कह के चुप कर जाए कि जी ये तो सियासत। एफआईए में जाते थे, वहां से जाके दोबारा पर्चा करवा दिया वही केस। अब ये ना इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या और क्या ना करें। अब आप आ जाए बिलावल भुट्टो पे, इसमें जद्दा की फैक्ट्री बेच के खरीदे। कतरी खात ने बताया था कि ये मियां शरीफ की इन्वेस्टमेंट है। मरियम और नवाज ने तो कहा मेरी जदादी को नहीं, और अच्छा। हसन नवाज ने कहा कि मैं तो किराएदार हूं, और महबूब कायद ने कहा जनाब ये स्पीकर। अब सिर्फ नैब पीछे हट गया, नैब का तो वो केस ही नहीं था, वो तो सुप्रीम कोर्ट का केस था। नैब को तो कहा था फॉरवर्डिंग लेटर ले रहे हो। ये शर्मनाक बात दुरुस्त होती अगर जब शर्मनाक सजाएं सुप्रीम कोर्ट सुना रही थी। अब तो बता दें कि कब खरीदे थे, कितने के खरीदे थे, किसने खरीदे थे, और अब ये किसके नाम पे। अपने महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पूछूं, क्यों राणा साहब ने कौन से और सेवन फील्ड में रह रहे हैं कि वो उनसे सवाल पूछूं। मियां मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फैमिली रहे उनसे कि ये कब। अब तो वजारत उज़्मा के ख्वाब भी कर रहे हैं बिलावल के, नवाज शरीफ साहब लाडले, मुस्लिम लीग लाडली, उनको वो एमक्यूएम नहीं मिल रहा, बाप नहीं मिल रहा, इलेक्टेबल नहीं मिल रहा, साउथ पंजाब नहीं मिल रहा। लेकिन मैं वो शर्मनाक पे आना चाह रहा था, मैं अगर आप इजाजत दें दो चार मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इरशाद बट्टी ने लाइव शो में नून लीगी लिफाफा खोर सहाफ़ी अमर इलियास राणा के सामने नून लीग को कहीं मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। इरशाद बट्टी ने कहा कि नवाज शरीफ कहता था कि मेरे ऊपर या मेरे बच्चों के ऊपर एक पाई की करप्शन भी साबित हुई तो मैं घर चला जाऊँगा। नवाज शरीफ घर तो ना गया, अलबत्ता घर से निकाला गया। इरशाद बट्टी ने मज़ीद क्या कहा, आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। ये खाली एक सियासी सतही तौर पे बातचीत है, ये तय हो चुका है अगली हुकूमत बनेगी, कंसेंसस से बनेगी, इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, मिलकर ही काम करना है, मिलकर फॉरेन पॉलिसी चलानी है, मिलकर इकॉनमी चलानी है, कोई एक पार्टी नहीं चला सकती, उससे पहले बस हल्का फुल्का ये है। नहीं, मैं इसको इतना संजीदा ना लें, क्योंकि जो एक दूसरे को गद्दार कह के फिर एक दूसरे से परवेज मुशर्रफ से भी हलफ ले लेते हैं, 16 महीने की हुकूमत भी भुगता जाते हैं। करना क्या था, करने तो एक ने एक के पेट चीरने थे, दूसरे ने दूसरे को बेतबार नहीं करना था, दरिंदा है, धरती का नासूर है, फिर इकट्ठे हो गए, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। अब अगर इलेक्शन के बाद फिर मौका मिला फिर इकट्ठे हो जाएंगे, तो इनका कोई ये वो टोटल एक है उसमें बड़ी छोटे छोटे अवामल आ जाते हैं कि वजारत उज़्मा के ख्वाब भी कर रहे हैं बिलावल के, नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, मुस्लिम लीग लाडली, उनको वो एमक्यूएम नहीं मिल रहा, बाप नहीं मिल रहा, इलेक्टेबल नहीं मिल रहा, साउथ पंजाब नहीं मिल रहा, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं वो शर्मनाक पे आना चाह रहा था, मैं अगर आप इजाजत दें दो चार मिनट तो पूरे सेगमेंट में मेरे मैं दो मिनट से आप चार मिनट में आप शर्मनाक का जवाब दें। शर्मनाक उसकी वजह यह ना कि बड़ा शर्मनाक माहौल चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है, पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई जज या कोई जर्नैल पनामा लीक्स नहीं लाया था, किसी जज या किसी जर्नैल ने सुप्रीम कोर्ट केस लेके नहीं गया था, वो मेरा महबूब कायद नवाज शरीफ खुद लेके गया था। फिर उसके बाद मेरे महबूब कायद ने खुद तकरीर फरमाई थी कि मैं अपनी एक एक पाई का हिसाब दूंगा। फिर उसके बाद मेरे महबूब कायद ने यह भी कहा था कि मैं क्या मेरे बच्चे भी अगर उन पर भी इल्जाम है मैं घर चला जाऊंगा। फिर जीआईटी, एहतसाब अदालत, सुप्रीम कोर्ट, सारे मरहले मेरे महबूब कायद ने भुगते। अच्छा, उसके बाद जब शर्मनाक मैं कहता हूं कि टीटी स्कैंडल पूरा चले बिना जब हाउस ऑफ शबाशी बरी हो जाते हैं तो नैब अपील भी नहीं करता, और जब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर एवनफील्ड में बरी हो जाती है तो एक होता है ना जाली, मुंह रखने को नैब अपील कर ले सुप्रीम कोर्ट में, वो भी नहीं करता। फ्लैगशिप में अदालत बाद में पूछती है, नैब पहले सरेंडर कर देता, अभी साडा कोई साढ़े तेना रहना, और पहले भी वो कहते हैं कि आप जमानत कैंसिल भी कर दें, हमने नवाज शरीफ साहब को नहीं पकड़ना। प्रॉब्लम है वोटिंग का, प्रॉब्लम है वोटर का, वोटर को समझाना कि जो महंगाई का बयानिया है इसको हमने स्पिन कैसे करना है और ये हमारी वजह से महंगाई नहीं है। फिर नैब एवनफील्ड में बिन बुलाए चला जाता है और अब नैब एवनफील्ड से भी निकल जाता है। ठीक है, फिर इशू यह है कि अब चलो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा महबूब कायद बरी हो गए, छूट गए। मुस्लिम आखिरी एक मिनट, मुस्लिम लीग नून ने बताया था कि 1993 से 95 के दौरान एवन फील्ड फ्लैट्स खरीदे। हुसैन नवाज ने बताया था 2005 में जद्दा की फैक्ट्री बेच के खरीदे। कतरी खात ने बताया था कि ये मियां शरीफ की इन्वेस्टमेंट है। मरियम और नवाज ने तो कहा मेरी जदादी को नहीं, और अच्छा। हसन नवाज ने कहा कि मैं तो किराएदार हूं, और महबूब कायद ने कहा जनाब ये स्पीकर। अब सिर्फ मेरा एक सवाल सारों से है, आपके तवस्तु से कौन से, और मियां अपने महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पूछूं, क्यों राणा साहब ने कौन से और सेवन फील्ड में रह रहे हैं कि वो उनसे सवाल पूछूं। मियां मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फैमिली रहे उनसे कि ये कब। अब तो बता दें कि कब खरीदे थे, कितने के खरीदे थे, किसने खरीदे थे, और अब ये किसके नाम पे। चले ठीक है, अब आपकी बात सवाल आज से हो गए। राणा साहब मैं वापस टॉपिक के ऊपर आती हूँ। सर इशू ये है कि जो इस वक्त की सारी हम देख रहे हैं सियासी तौर पर बयानबाजी हो रही है, मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है क्या ये निगोशिएशन के लिए है, क्या ये सियासी दबाव के लिए है, इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद जो केक है उसमें हिस्से के लिए है, क्या ये इसलिए हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पे ये जो दबाव पीपल्स पार्टी की तरफ से बढ़ाया जा रहा है जिसको बिलावल लीड कर रहे हैं।
असल में चुके अब मसला ये हो गया है कि कुछ वजाहत बड़ी जरूरी है, फिर बिलावल पे भी आता हूँ। आसिफ सईद कोसा साहब को आप जानती हैं, जिन्होंने कहा था हमारे पास ले आओ, जिनकी एक्सटेंशन के लिए फखर इमाम ने बिल पेश किया था कि इनको चीफ जस्टिस का और जजों की मुद्दत बढ़ा दें, फिर नहीं मुजाकरात कामयाब हुए, फिर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन को छेड़ा और फिर लोगों को बुला के ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि मुझे वो ऐवाने सदर की तरफ इशारा करके कहा कि मुझे ये बिल्डिंग कही गई थी। ये है वो किरदार जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलाया, वरना जमाली साहब चीफ जस्टिस थे ना, वो खत्म कर गए थे, क्योंकि सबको पता था कि नवाज शरीफ का इस केस में कोई नाम नहीं है पनामा में। लेकिन चूंकि कुछ लोगों का रट्टा इतना पक्का हो गया कि वो अब भूल ही नहीं सकते, उन्हें ये बात करनी पड़ती है, मुझे कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा है, जारी रखें। और शहबाज शरीफ को टीटी में नैब ने नहीं किया, एंटी करप्शन अदालत में नैब से जमानते हो गई थी, जबकि डबल जोपर्डाइज नहीं हो सकता सर, हमने करना ही नहीं सर, जिसकी हुकूमत उसकी नैब उसके दायरे। मैं चुप हो जाता हूँ क्योंकि अब आप भट्टी साहब के बारे में नहीं बोली, नहीं नहीं भट्टी बात करने रहे, फैक्चुअल गलती कर रहे हैं। पहले नैब ने इनको जमानते दी, फिर इनका गुस्सा नहीं उतरा, शहजाद अकबर साहब यूएसबी लेके एफआईए में जाते थे, वहां से जाके दोबारा पर्चा करवा दिया, वही केस। अब ये ना इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या और क्या ना करें। अब आप आ जाए बिलावल भुट्टो पे, मैं क्लैरिटी से कह रहा हूं, मुसलसल कह रहा हूं, जिस दिन सीसीआई में इन्होंने मर्दमशुमारी का रिजल्ट ओके किया था, मैंने कहा लो जी अब ये दोनों लड़ेंगे, इलेक्शन होगा और उसके बाद ये दोबारा इकट्ठे हुकूमत बनाएंगे। बिलावल किससे लड़ेंगे? अंदरूनी सिंध में उन्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो जीते जिताए हैं। वहां इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों मुलजिम हैं, दोनों मुजरिम हैं, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई ही नहीं। वो तो कह ले मिसाके जमहूरियत थी तो इमरान खान साहब को किसने रोका था कि वो शाह महमूद के मरीदों के अलावा अंदरूनी सिंध में किसी के पास नहीं गए, वो कराची पूरे इक्तदार में एक रात नहीं ठहरे। ये सारे काम हमारी सारी क्या सासी क्यादत ने किया, तो सिंध तो उनके हवाले है, पंजाब में दुखड़ा है, बलोचिस्तान में दुखड़ा है, वहां आईपीपीज है, यहां ये मतलब पार्लियामेंटेरियन केपी में बन गई है, बीएपी 50% से ज्यादा पीएमएलएन में वापस आ गई और 50% बीएपी की सूरत में नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। तो इलेक्शन का पता है, लेकिन आपको पता है हमें ये इकतदार का खेल है, सबने एक दूसरे के साथ लड़ना है और जितने भी इल्जाम आते हैं हम और आप उस पर बहस करते हैं, सीरियसली ना लें बस, ठीक है, मिलकर फिर हुकूमत बनाएंगे। वोटर भट्टी साहब वही रह गया 2018 में और ये पार्टी आगे बढ़ गई। एक बात तो रजा रूमी साहब की 100% ठीक है कि ये सारी इकतदार की जंग है, इकतदार की जंग है, इसमें कुछ कोई माल मामला नहीं है, ना 2018 में ना उधर ना 2023 में ना कुछ। लेकिन क्या हमें भी इस इकतदार की जंग में बह जाना चाहिए जहां सियासत गाली बन जाए, दो नंबरी हो जाए, चतर चलाकी हो जाए, झूठ हो जाए, मुनाफकत हो जाए, डील हो जाए, ढील हो जाए, पतली गली, चोर दरवाजे, क्या हम फिर कहें कि ये कह के चुप कर जाएं कि जी ये तो सियासत, ये सियासतदानों की अपनी जिम्मेदारी है, नहीं, सियासतदानों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सियासतदानों की जो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी ना की तो कौन चेक रखेगा? सियासतदानों की तो जिम्मेदारी है, हमारी सियासत जिस तरह की, हमारे सियासतदान वोटर और वोटर को कौन बताएगा? कम से कम हमें तो अपने एंड पे वो बात करनी चाहिए कि भाई कल जब ये भुट्टो और जिया एक दूसरे के साथ साथ नहीं थे तब क्या कह रहे थे, फिर जब इकट्ठे थे क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं। हमें बताना चाहिए कि तहरीक इंसाफ कभी आर्मी चीफ को बाप कहती थी, ठीक है, और आर्मी चीफ पे जो तनकीद थी उसको कहती थी गद्दारी है, फिर बाप को मीर जाफर मीर सादक क्यों किया? हमें तो बताना चाहिए ना, बात करनी चाहिए, इन पे नहीं छोड़ना चाहिए, इन पे छोड़ेंगे तो ये तो ऐसे ही है, ये तो अपनी फैमिलियां हैं। लेकिन जो सवाल है ना, मैं आमिर इलियास राणा साहब के पास ले जाना चाहती हूँ। आमिर साहब, बार बार कुछ बड़े सीरियस तजियाकार भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि पीएमएलएन का जोड़ तोड़ ताल्लुकात जो पूरे मामलात हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वोटिंग का, प्रॉब्लम है वोटर का, वोटर को समझाना कि जो महंगाई का बयानिया है इसको हमने स्पिन कैसे करना है और ये हमारी वजह से महंगाई नहीं है, ये प्रॉब्लम है बेसिकली। तो ये क्यों खदशात है कि भाई जो कि वोट हासिल करना इस वक्त पीएमएलएन के लिए चैलेंज होगा, यहां तक भी कह रहे हैं कि जी लाहौर बचाना भी चैलेंज होगा। पहली बात तो यह है कि मैं रजा रूमी साहब के तजिए से 100% इत्तेफाक करता हूं, जो चीजें उन्होंने तारीख के तनाजुर में कही आज के हालात के हिसाब से कही, मैं बिल्कुल 100% उनसे मुत्तफिक हूं। अब आप आ जाएं, ये जो वोटर शोटर आप ढूंढ रही हैं ना वो भी बताता हूं, और वो जो शर्मनाक नवाज शरीफ साहब को आज मिल रहा है उस पर भी बात करना चाहता हूं। ये शर्मनाक बात दुरुस्त होती अगर जब शर्मनाक सजाएं सुप्रीम कोर्ट सुना रही थी, पाकिस्तान का कानून नहीं मिल रहा था और एक तय था कि इस शख्स को सजा भी देनी है इमरान खान साहब की फरमाइश पे और जेल में भी डालना है, हर सूरत में इकतदार से निकालना है। और जिन शायद ककान अब्बासी साहब का आप जिक्र कर रही थी उनको उन्होंने वजीर आजम भी बनाया और वो कल परसों भी यही कह रहे थे कि वो एक गैर कानूनी फैसला था सुप्रीम कोर्ट का जिसको सारी दुनिया मानती है, फिर इंप्लीमेंटेशन जिस तरीके से कराई गई और आज हमारे दोस्त बहुत रोते पीटते हैं कि जी नैब पीछे हट गया। भाई नैब का तो वो केस ही नहीं था, वो तो सुप्रीम कोर्ट का केस था, नैब को तो कहा था फॉरवर्डिंग लेटर ले जाओ। अब आप आ जाए आज उसको छोड़ के क्या हुआ वोटर, कट टू साइड हुई पीटीआई आपको हमें नजर आ रही है या नहीं आ रही? मुझे नजर आ रही है। उनका मुकाबला पीटीआई से है पीएमएलएन का पंजाब में, यह बात ध्यान में रख लें, ना पीपल्स पार्टी मुकाबले में है ना आईपीपी। आईपीपी को आप इस तरह समझ लें जैसे एमक्यूएम है, जैसे पीएमएल क्यू थी कभी मैग्नेट की तरह, कि वो बस इतना ही उनका किरदार होगा कि कुछ सीटें मिल जाएंगी और वो फिर जोड़ तोड़ में जहां जिधर से आए हैं उनके लिए काम करते रहेंगे। असल बात है कि पीटीआई ने अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत के साथ क्या रास्ता किया,
धमकी लगाई, वो जो बाप कह रहे हैं और मुनाफिक बनाया उनको गद्दार कहा और 9 मई को हमला कर दिया, वो 9 मई की वो गलती है। अब जो सारे सुहाने ख्वाब दिखाते हैं ना कि जो खान साहब दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, ये सब इक्तदार की पॉलिटिक्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी भी इक्तदार के चाहने वाले ने, चाहे वो जरदारी हो, उसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के अपनी सियासत को बचाया, संभाला और आज भी उसी से बचा रहा है। नवाज शरीफ ने 5 मजिज लोग कहा जजों को और जेआईटी को हीरा कहा, लेकिन वो स्टेट पे हमलावर नहीं हुआ। उसकी जितनी ह्यूमिलेशन हुई और कराई गई, आपको और हमें पता है कि जिन लोगों को इस काम के लिए बकायदा हायर किया गया था वो बकायदा हर जगह पे जाके भाषण देते थे ये वाला, आज उनसे वो बात समझ नहीं आ रही और उनसे हजम भी नहीं हो रही कि ये शर्मनाक किरदार हमसे लिया गया और अब ये क्या हो गया, वो पार्टी बदल गई, क्या हुआ उनको। मैं कट टू साइड होता जब देखता हूं ना, तो पंजाब में पीएमएलएन के पास बेपनाह दरखास्तें भी आई हैं, वो शुरू कर चुके हैं और आपको और हमें वो वोटर मुतहरिक नजर आएगा जब वो टिकट अवार्ड कर रहे होंगे। इलेक्शन कमीशन अगले 5 से 4 दिन में शेड्यूल भी दे देगा और 15-16 तारीख को कागजात नामजदगी। हम सब ने बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज शरीफ पर जो नैब की तरफ से केस था, नवाज शरीफ के अदालत पहुंचने से पहले ही नैब वहां पहुंची कि हम नवाज शरीफ के खिलाफ केस को वापस लेते हैं। नैब ने कहा कि अगर आप नवाज शरीफ की जमानत मंजूर नहीं करते तो भी हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करेंगे। कोई नैब से पूछने वाला है कि अगर आपने नवाज शरीफ को पकड़ना ही नहीं था, गिरफ्तार ही नहीं करना था, तो फिर केस बनाया ही क्यों था? असल हकीकत यह है कि नवाज शरीफ को आप इक्तदार देना है तो देना है, डील हो चुकी है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।